जस्टी आपका गाना 2 दिन पहले जी म्यूजिक से रिलीज हुआ है खुशफहमियां, तो इस गाने के बारे में बताइए और जी से एसोसिएशन कैसा लग रहा है? हाय, मेरा गाना रिलीज़ हुआ है परसों ही जी पे, और जी के साथ एसोसिएशन मेक्स मी वेरी हैप्पी बिकॉज ऑफ जी, यू नो, पीपल आर एबल टू लिसन टू द सॉन्ग एंड दे आर एबल टू सी द वीडियो एंड आई एम गेटिंग अ वेरी गुड रिस्पॉन्स, सो आई एम हैप्पी एंड आई एम सॉरी, व्हाट वाज द अदर क्वेश्चन? गाने का जो रिस्पॉन्स है वो जी से कैसा है और यूट्यूब पे गाना कैसे देख सकते हैं? जी के यूट्यूब पे आप देख सकते हैं, सो यू हैव टू गो टू यूट्यूब एंड आई थिंक यू डू जी म्यूजिक एंड उस पे खुशफहमियाँ इज द नेम ऑफ द सॉन्ग एंड इफ यू डू खुशफहमियाँ जी इट शुड कम अप। सो आपका जो सॉन्ग है उसका जो टाइटल है वो खुशफहमियाँ है, उसका मीनिंग क्या है और आप उसको अगर इमोशनली अगर एक्सप्लेन करते तो किस तरीके से करेंगे? ओके, सो खुशफहमियाँ It's a pleasant misconception. So the song is all about love. And if you see the video, you'll find that the character is just basically lost in love. And she's crazy in love with someone and it's all in her mind. You know, and she's happily singing. So the video has done justice to the song. And I would highly recommend that please see it, listen to the song, and you'll be able to understand the emotions. Abhishek ji, आपने इतनी बड़ी-बड़ी फिल्मों में म्यूजिक दिया है, पान सिंह तोमर, वेलकम बैक, वेडिंग एनिवर्सरी अभी हाल में आई थी नाना पाटेकर की फिल्म, और इस सिंगल के लिए आपने बहुत ही कमाल का म्यूजिक दिया है। तो हर फिल्म में एक नया म्यूजिक आपसे सुनने को मिलता है, तो इतनी अलग अलग वैरायटी कैसे निकलती है? मुझे चैलेंजेस पसंद है शुरू से ही, जैसे कि अब पान सिंह तोमर का म्यूज़िक क्या था, ज़मीनी म्यूज़िक था। आई हैड टू गो टू चंबल, चंबल में जाके मैंने 15 दिन बिताए, वहाँ की लोकगीत, वहाँ के साउंड्स, ये सब स्टडी करने के लिए। आप 4 दीवारों में बैठ के हमेशा म्यूज़िक कंपोज जस्टिस नहीं कर सकते फिल्म के साथ। सो व्हेन आई वाज डूइंग वेलकम बैक, दैट वाज अ हार्डकोर ग्रूवी पंची कमर्शियल फिल्म, आई एम कलाम बच्चों की फिल्म थी, तो बच्चे के मन में घुस के कंपोज करना पड़ा। साहेब बीवी और गैंगस्टर वाज अ डार्क रोमांटिक फिल्म, तो डिपेंडिंग ऑन द फिल्म वो चैलेंज अच्छा लगता है, क्योंकि मेरे पास हमेशा मुझे अच्छा लगता है कि मैं अलग अलग तरह की धुनें बनाऊं और मुझे लोग स्लॉट ना करें। आई डोंट लाइक टू बी अ स्लॉटेड कंपोजर। और फिल्मों के अलावा व्हाट इज़ वेरी क्लोज टू माय हार्ट आर माय नॉन फिल्म सॉन्ग्स। पिछले साल मुझे मिर्ची म्यूज़िक अवार्ड मिला फॉर द बेस्ट नॉन फिल्म सॉन्ग ऑफ द ईयर, और मैं उत्प्रेरित हूँ इस मामले में, क्योंकि आज जो मेरे नॉन फिल्म सॉन्ग्स हैं, जो मैं हर महीने रिलीज़ करता हूँ, पूरी दुनिया उसको सुनती है, और इट्स ऑन iTunes, Apple Music, Spotify, Google, Amazon। तो अब वो वाला माहौल नहीं रहा कि आपका CD कब दुकान में पहुंचा, कब लोग सुनेंगे। अब आपकी क्रिएटिविटी पे निर्भर करता है कि आप कितनी अच्छी धुनें बनाते हैं, वो ऑडियंस तक पहुंच ही जाती है। जी म्यूज़िक से मेरा पुराना रिश्ता है और आई थिंक देयर एन एमर्जिंग लीडिंग म्यूज़िक कंपनी। बहुत सारी अच्छी बातें हैं उनमें, सबसे अच्छी बात यह है कि एक ट्रांसपेरेंसी है। जो गाने हम बनाते हैं वो हम जब चैनल्स पे देखते हैं और लोग देखते हैं, तो समझ में आता है कि द म्यूज़िक कंपनी इज़ ऑल्सो डूइंग देयर एफर्ट टू पुश द सॉन्ग, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। और खुशफहमियाँ का जो आपका सवाल था उसका जवाब मैं अभी दूंगा। खुशफहमियाँ होता है एक हसीन सी गलत फहमी, जैसे गलत फहमी होती है वैसे खुशफहमी होती है। तो जब जश ने इस गाने के बारे में सोचा था, तो शी हैड प्लान टू शूट दिस सॉन्ग इन न्यूयॉर्क, तो पूरे गाने में एक खुमारी सी है, एक नशा सा है, जो जब पहली बार किसी को प्यार हो जाए, अनजाने में प्यार हो जाए, तो वो जो खुमारी छा जाती है, वो जो एक स्तंभित रहने का जो एक मुहूर्त आता है, व्हेन यू आर इन अ ट्रांस, दैट इज़ द सॉन्ग। सो आई कंपोज दिस होल सॉन्ग इन अ जैज बैलड, बिकॉज आई हैव बीन टू न्यूयॉर्क मेनी टाइम्स, और वहाँ का न्यूयॉर्क का जो रात की फिज़ा है, जो माहौल है सेंट्रल पार्क का, विक्टोरिया टर्मिनस का, उसके साथ गाने का जो चलन है वो मैच हो जाए, तो इसलिए मैंने सैक्सोफोन्स यूज़ किए, मैंने ड्रम ब्रशेस, लॉर ऑफ प्योर जैज पियानो जो मैंने खुद बजाया है। तो दिस सॉन्ग विल टेक यू इन टू दिस ड्रीमी वर्ल्ड, जो थोड़ा सा मतलब सरियलिस्टिक हो, खुमार वाली ज़िंदगी, वो उस पे चला जाता है, और बाकी तो वीडियो आपको खुद ब खुद बयां करती है कि गाना क्या है। जश, टाइटल सॉन्ग जो गाना है वो एक लाइन हमारे लिए गुनगुना दे। खुशफहमियां
ये प्यार की अक्सर मदहोशी रहती है, एहसास की ये अर्जियाँ क्यों बेजुबान सी रहती है। खुश फहमिया। एक सवाल मेरा आपसे है, जैसे कि आपने अभी कहा कि पांच सिंह तोमर के लिए आपने चंबल में जाके 15 दिन बिताए हैं, तो खुश फहमिया के लिए आपने ऐसी क्या तैयारियां करी जो जो इस चीज से हट अलग चीजों से हटकर आपको दिखाती है? खुश फहमिया के लिए मैंने कोई तैयारी नहीं की। इसका कारण ये है कि मैं बहुत रोमांटिक आदमी हूँ, अंदर से रोमांस कूट कूट के भरा है मुझ में, और हर तरह के रोमांटिक गाने मैं बना चुका हूँ। रात मुझे ये कह के चिढ़ाए, साहेब बीवी गैंगस्टर भी बनाया तो किसी और फिल्म में कुछ और बनाया, तो रोमांस में जो वेरिएशन है मेरे अंदर वो कुदरती है, उसके लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। जैस, मैं आपसे कविताओं के बारे में कुछ जानना चाहूँगी, आप कविताएं वगैरह भी बताते हैं, तो कोई कविता अगर आप सुना सकें तो। I'm not into poetry. Okay. I'm just a singer. Okay, thank you. अच्छा अभिषेक जी, जी आपने क्लासिकल में विशारत किया है? जी विशारत तो नहीं किया है, पर इंडियन क्लासिकल म्यूजिक मेरे घर में है दोनों तरफ से, पिताजी और माताजी की तरफ से, जो मैंने सीखा है बाहर जाके, दैट वाज वेस्टर्न क्लासिकल एंड द पियानो। तो मेरी आवाज़ जो है दैट इज़ प्योरली इंडियन, मैं एकदम क्लासिकल गा सकता हूँ, और मेरी उंगलियाँ जो है वो वेस्टर्न क्लासिकल के, बिकॉज़ आई लर्न द पियानो। जी तो वेस्टर्न के साथ आप मेलोडी कैसे लाते? देखिए प्योर वेस्टर्न सिम्फोनिक अरेंजमेंट जैसे खुश फहमिया में है, और जैसे जाओ ढल जाओ रात के तारे जो पान सिंह तोमर का मेरा फाइनल गाना था, ये दो अलग अलग मतलब उसी स्पेक्ट्रम के दो अलग हिस्सों पे है। एक प्योर क्लासिकल इंडियन क्लासिकल है, एक प्योर वेस्टर्न क्लासिकल है, और इस बीच के जितने भी जॉनरेज ऑफ म्यूज़िक है वो आई एम कंफर्टेबल विद देम, और मुझे अच्छा लगता है। जैसे कि पुराने दिनों में हिंदी फिल्मों में एक ही फिल्म में आप सुनते थे रहना बीती जाए जो प्योर क्लासिकल गाना है, दूसरी फिल्म में आप सुनते थे पिया तू अब तो आ जा जो प्योर क्लब सॉन्ग है, आप सुनते थे कैबरे का गाना, और आप सुनते थे एक ब्यूटीफुल रोमांटिक सॉन्ग। तो ये जो वेरिएशन है ना हिंदी फिल्म में गानों की, यही हमारी खासियत है, जो मुझे लगता है आज थोड़ी सी विलुप्त होती जा रही है, बिकॉज वी आर ओनली कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन डांस फ्लोर। हम आज सिर्फ डांस फ्लोर के लिए गाने बना रहे हैं, और जो गाने डांस फ्लोर के बाहर के हैं वो गाने हैं ही नहीं। तो ऐसी जो एक मानसिकता आ गई है जो वो मुझे लगता है थोड़ा सा घातक है हमारे म्यूज़िक के लिए, क्योंकि हमारी जो हिंदी फिल्म की म्यूज़िक की परंपरा रही है उसमें हर तरह के गानों की जगह थी, हमेशा से थी, और कुछ गाने ऐसे रहे हैं जो फिल्मों से भी बड़े हो गए। जैसे कि अगर मैं लग जा गले ये गाना अगर आपसे पूछूं तो बच्चे बच्चे को ये गाना पता है, लेकिन अगर आपसे पूछूं कि ये कौन सी फिल्म का गाना है कोई नहीं बोल पाएगा, तो गाना फिल्म से बड़ा हो गया। ऐसे कई गाने हैं हिंदी फिल्मों में जो फिल्म से बड़े हो जाते थे, तो वो जो बात है आई थिंक वी शुड स्टिक टू दैट कि उसको हम वापस लाएं। अच्छा ये जो रीमेक हो रहा है जी, पुराने जी जो हिट सॉन्ग है जी जी, तो आपने भी कोई ऐसे किया है कि आप उसके विपरीत है? मैंने कभी नहीं किया, जब मेरे पास फाइनेंशियल तकलीफें थी जिंदगी में तब भी नहीं किया, आज भी नहीं किया, और कभी नहीं करूँगा, क्योंकि मैं कंपोजर हूँ। जो ओरिजिनल काम ना कर सके वो कंपोज़र नहीं है, वो अरेंजर है, वो किसी का कॉपी बना सकता है। और मुझे लगता है कि ये जो यंग जनरेशन है जो बहुत स्वावलंबी है और आउटस्पोकन है अपने विचारों के बारे में, अपनी इच्छाओं के बारे में अपनी बात सामने रखते हैं, उनकी पसंद जो है, उनकी जो चाहते हैं वो उनके मेलेडी में झलकना चाहिए, उनके गाने में झलकना चाहिए, ना ही किसी और से बोरोड गाने को रिहैश करके रीमेक करके। तो क्या ये जनरेशन सिर्फ रीमेक्स के लिए और रिहाइशेस के लिए जानी जाएंगी? पर अभिषेक मेरा आपसे सवाल ये है कि जनरेशन इज अ डिफरेंट, कि हम जनरेशन पे डालते हैं लेकिन वो सॉन्ग पहले आते हैं तभी जनरेशन उस चीज को सुनती है। बिल्कुल, अभी आपने पूरे मुद्दे की बात की। मैं अगर आपको अगले 2 साल तक सिर्फ चपाती दूं खाने के लिए तो आपको वही खाना पड़ेगा, मैं आपको कुछ और दे ही नहीं रहा हूँ, ना तो सब्जी ना दाल ना चिकन ना मटन कुछ, मैं सिर्फ आपको चपातियाँ दे रहा हूँ। 2 साल तक जब आपने खा लिया चपाती, अगर उसके बाद मैं बोलूं कि ये मोहतरमा तो सिर्फ चपाती ही खाती है इसको कुछ और पसंद नहीं है, तो क्या ये बोलना लाजमी होगा? नहीं होगा ना। आपको पसंद है सब कुछ खाना लेकिन आपको खिलाया नहीं जा रहा है, मैं आपको एक ही चीज़ खिला रहा हूँ और उसके बाद में ये ढिंडोरा पीट रहा हूँ कि मार्केट में यही चलता है। तो ये माहौल है जिस माहौल से हमें निकलना चाहिए, एंड ओरिजिनल कंपोजर्स जो हैं
वही कर सकते हैं, इसको पलट सकते हैं। तो आपको क्या पसंद है, जो पुराने गाने थे वो ज्यादा अच्छे थे या उनके रिमिक्स आपको ज्यादा अच्छे लगे? नहीं, मुझे जो मैंने आपको बोला ना, मुझे पसंद है वेरिएशन। हिंदी फिल्म में हर तरह के गानों की जगह है, प्योर क्लासिकल से लेके प्योर डांस, प्योर कैबरे से लेके प्योर रोमांटिक बैलेड। इतिहास में आप देखिए हर तरह के गाने रहे हैं जी। पिछले 5 साल में आप देखिए एक ही तरह के गाने, सिर्फ डांस फ्लोर ओरिएंटेड गाने हम बना रहे हैं, और ये कहते हुए बना रहे हैं कि ऑडियंस को यही चाहिए। मुझे इस बात से आपत्ति है, मैं इस बात को मानता नहीं हूँ कि ऑडियंस को यही चाहिए। ऑडियंस इमोशनली बहुत इंटेलिजेंट है, ऑडियंस को अपना म्यूज़िक समझ में आता है। ऑडियंस आज भी रियलिटी शोज़ में वही गाने सुनना पसंद करते हैं जिन गानों में मेलोडीज़ थी। मुद्दे की बात यह है कि ओरिजिनल मेलोडी नेवर फेल्स, इट गोज़ अ लॉन्ग डिस्टेंस, वो लंबी रेस का घोड़ा होता है। तो मतलब आप मानते हैं कि अगर ऑडियंस को अगर दूसरे तरीके की चीज़ें भी दिखाई जाएंगी, बिल्कुल तो वो एक्सेप्ट करते हैं। बिल्कुल, उसके मतलब मैं आपको ये प्रूफ के साथ कह सकता हूँ कि जब जब भी MBA विजर्ड्स ने बोला कि ये फिल्म नहीं चलेगी, इसमें सेक्स नहीं है, इसमें मसाला नहीं है, इसमें ये नहीं है, वो नहीं है, कमर्शियल एलिमेंट नहीं है, वो फिल्म चली नहीं, वो विख्यात हो गई दुनिया में। मेरी अपनी ज़िंदगी में बहुत से ऐसे एग्जांपल्स हैं। पान सिंह तोमर सबसे बड़ा एग्जांपल है, जिस फिल्म में कोई भी ऐसा बॉलीवुड नुमा एलिमेंट्स नहीं थे, इसके बावजूद वो फिल्म इतना बड़ा हो गया, उसको 18 इंटरनेशनल अवार्ड्स मिले। ऑडियंस बहुत इंटेलिजेंट चीज़ है, ऑडियंस को कभी भी अंडरएस्टिमेट नहीं करना चाहिए। आपने फिल्मों की बात की है तो सॉरी, मैं इसमें एक सवाल और ऐड करना चाहूँगी। जैसे कि हम ये देखते हैं कि काफ़ी सारी ऐसी मूवीज होती हैं जिनको रिलीज नहीं किया जाता, मना कर दिया जाता है, जबकि वो हमारे जो जनरेशन है उनको शायद अच्छी चीज़ें भी सिखा दे, बिना फिल्म को देखे उसको रिजेक्ट कर देता है। लेकिन वहीं पर ही ऐसी मूवीज उन्हें ए सर्टिफिकेट देकर उन्हें रिलीज कर दिया जाता है, क्या ये सही है? एक बार और रिपीट कीजिए सवाल आपका। सवाल मेरा आपसे ये है कि फॉर एग्जांपल पद्मावत मूवी है जी, उस पद्मावत मूवी में इतने विवाद हुए थे जी, वहीं पर ही आप हेज चोरी 3 देख लीजिए, उस मूवी को ए सर्टिफिकेट देकर रिलीज कर दिया गया, तो क्या ये सही है? नहीं, ए सर्टिफिकेट से क्या तात्पर्य है आपका? मतलब अडल्ट। हाँ, समझ गया। तो पद्मावत को तो एडल्ट सर्टिफिकेट नहीं दिया गया, मतलब उस मूवी को रिलीज होने के लिए सब लोग विरोध में थे। हाँ, इस मूवी को रिलीज ही नहीं किया जाना चाहिए, इससे हमारे मतलब जो राजपूत हैं ये हैं उनको ठेस पहुंचेगी, ये हाँ, होगा वो होगा। सो विवाद बिना देखे जो विवाद शुरू हो जाए, नहीं वो तो गलत है ना। बिना देखे तो आपको जिंदगी में किसी भी चीज पे आपको कोई ओपिनियन नहीं बनाना चाहिए, कोई भी चीज बिना देखे तो किसी भी चीज़ पे कोई ओपिनियन बनाना ठीक नहीं है। स्पेशली वर्क ऑफ आर्ट जो होता है उसको देख के ही आपको कोई निर्णय लेना चाहिए कि वो वर्क ऑफ आर्ट कैसा है। तो बाद में मेरे ख्याल से वो सबको अच्छी लगी फिल्म, वो तो अपने आप में हाँ, करेक्ट। थैंक यू। कैन आई जस्ट ऐड थैंकफुल टू अभिषेक एंड मानवेंद्र। थैंक यू।